सीधे लेके चलते हैं आपको रायबरेली प्रियंका गांधी के भाषण में। मेरा बेटा घर पे है, पूरा दिमाग है कि मैं उसके लिए दवाई ले जा रही थी उसके कमरे में, तो टीवी चल रहा है, तो मैंने सुना कोई बहुत निंदा कर रहा है उत्तर प्रदेश। मैंने कहा नहीं, मैं सुनूं क्या कहा जा रहा है। इस प्रदेश में अराजकता है, भ्रष्टाचार है, महिलाओं पर अत्याचार है, शोषण है, दलितों पर अत्याचार है। तो मैंने देखा कौन बोल रहा है, और वही दृश्य सामने आया जो हम सबके सामने अक्सर आता है। आजकल एक भरे मैदान में को संबोधित करते हुए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं, और इसको कहने के एकदम बाद उन्होंने कहा कि मुझे वाराणसी के लोगों ने वोट दिया और वाराणसी के लिए मैं एक बेटा हूँ, उत्तर प्रदेश का बेटा हूँ, इसीलिए मैं उत्तर प्रदेश का विकास करूंगा। तो मेरे मन में ये बात आई, क्या उत्तर प्रदेश को बाहर से किसी को वोट लेने की जरूरत है? क्या यहाँ कोई नौजवान नहीं है जो आपके देश को, प्रदेश को आगे बढ़ा सकते हैं, जो विकास ला सकते हैं? आपके दो नौजवान राहुल जी और अखिलेश जी आपके सामने आए हैं, वो इसी मिट्टी के बने हुए हैं, उन्होंने आपका प्रतिनिधित्व किया है, उनके दिल में उत्तर प्रदेश है, उनकी जान में उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश को किसी बाहरी नेता की जरूरत नहीं है, यहाँ का एक एक नौजवान नेता बन सकता है, यहाँ का एक एक नौजवान इस प्रदेश का निर्माण करेगा, नया निर्माण करेगा, नया उत्थान करेगा, नया विकास करेगा। ये मेरी आशा है, यही राहुल जी की आशा है, यही साहिब करण जी की आशा है, सबकी यही आशा है कि आज एक नया दौर आए इस प्रदेश में, आप सब इकट्ठा काम करें, गठबंधन को आगे बढ़ाएं, जिताएं, ताकि ये सब बातें जो खोखली बातें हैं अपने ही जगह रहें। यहाँ की महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी, मैं ये भी कहना चाहती हूँ, जब भी आपका जिक्र करते हैं तो कभी किसी की बहन, किसी को बेटी, किसी की पत्नी, किसी की माँ का जिक्र करते हैं, क्यों? मैं आप सब की तरफ से उनको कहना चाहती हूँ, इस देश की करोड़ों महिलाओं की तरफ से कहना चाहती हूँ कि मैं औरत हूँ, आप औरत हैं, हमेशा रिश्ते के साथ इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है। आप में आप मिला के आपसे बात करें, आप पर अत्याचार बंद करना चाहते हैं तो वो बताएं पिछले छह महीनों में किसने सबसे ज्यादा अत्याचार किया है हमारी बेटियों पे, हमारी बहनों पे, हमारी महिलाओं पे, किसने किया है? जब उन्होंने यूं ताली बजाकर नोटबंदी की और आपकी बचत को इस तरह फिंकवाया आपसे जिस तरह कागज के टुकड़े को फेंकते हैं, जब आपको लाइन में खड़ा किया बैंकों में, वो क्या अत्याचार नहीं था महिलाओं पे? आप झोली फैला के किसके सामने गए जो आपने सालों से बचत की थी? क्यों, किस लिए किया ये सब उन्होंने? क्या उस समय हमदर्दी नहीं थी क्या आपके प्रति? तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि बहुत खोखले वादे हो गए हैं, बहुत सुनिया है इस देश में, इस प्रदेश में बहुत साल हो गए हैं। आप 3 साल से सरकार में रहे हैं, वाराणसी के जनता से पूछिए क्या किया है आपने उनके लिए, क्या किया है? जन जन बताएगा, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे अमेठी का क्या विकास हुआ था? अमेठी के जन जन से पूछिए, अमेठी का एक एक वासी आपको बताएगा कि जब आप प्रधानमंत्री होते हैं किस तरह से आप विकास कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ आपसे यही आग्रह करूंगी कि जो झूठ बोलता है, खोखले वादे करता है, उसको पहचानिए, जो आपके लिए काम करना चाहता है उसको पहचानिए, और इस गठबंधन को इस तरह मजबूत बनाइए कि आगे बढ़कर
ये प्रदेश मजबूत बने, इसका विकास हो और एक एक जगह आगे बढ़े। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय उनके दिल में उत्तर प्रदेश है, उनकी जान में उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश को किसी बाहरी नेता की जरूरत नहीं है। यहाँ का एक एक नौजवान नेता बन सकता है, यहाँ का एक एक नौजवान इस प्रदेश का निर्माण करेगा, नया निर्माण करेगा, नया उत्थान करेगा, नया विकास करेगा। ये मेरी आशा है, यही राहुल जी की आशा है, यही साहिब चरण जी की आशा है, सबकी यही आशा है कि आज एक नया दौर आए इस प्रदेश में। आप सब इकट्ठा काम करें, गठबंधन को आगे बढ़ाएं। राहुल जी और अखिलेश जी आज आपके सामने आए हैं, वो इसी मिट्टी के बने हुए हैं। रायबरेली में प्रियंका गांधी की पहली चुनावी रैली। प्रियंका का प्रधानमंत्री मोदी पर वार, कहा उत्तर प्रदेश को बाहर से नहीं चाहिए कोई बेटा, उत्तर प्रदेश में यहां का युवा अपने आप में सक्षम। नहीं, प्रियंका गांधी ने गिना दिया कि आखिर राजीव गांधी के टाइम पर क्या कुछ हुआ था अमेठी के लिए, और तीखे सवालों से पूछा कि आखिर क्या कुछ किया है वाराणसी के लिए पिछले 2.5-3 सालों में प्रधानमंत्री मोदी ने। और वाराणसी के लिए मैं एक बेटा हूँ, उत्तर प्रदेश का बेटा हूँ, इसीलिए मैं उत्तर प्रदेश का विकास करूंगा। तो मेरे मन में ये बात आई, क्या उत्तर प्रदेश को बाहर से किसी को गोद लेने की जरूरत है? क्या यहाँ कोई नौजवान नहीं है जो आपको देश को, प्रदेश को आगे बढ़ा सकते हैं, जो विकास ला सकते हैं? आपके दो नौजवान राहुल जी और अखिलेश जी आज आपके सामने आए हैं, वो इसी मिट्टी के बने हुए हैं। उन्होंने आपका प्रतिनिधित्व किया है, उनके दिल में उत्तर प्रदेश है, उनकी जान में उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश को किसी बाहरी नेता की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश को किसी बाहरी नेता की जरूरत नहीं है, क्या किया है वाराणसी से पूछो प्रधानमंत्री मोदी ने। बड़े तीखे सवाल और बड़ी तलखी से, यूपी को किसी को गोद लेने की जरूरत नहीं है, यूपी में काफी युवा ऐसे हैं जो यूपी को संभाल सकते हैं। आज प्रियंका भी पहुंची और उन्होंने जमकर यहां पर भाषण दिया अपना, और तीसरे चरण का जो मतदान है उसका जो प्रचार है वो आज खत्म हो रहा है। उससे पहले रायबरेली में बड़ी तलखी से प्रियंका की पहली चुनावी रैली। सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर वार, कहा आज सुबह जब मैं टीवी देख रही थी घर में, तब मैंने देखा कि कोई एक व्यक्ति जो कि आजकल अक्सर अपने भाषणों के जरिए टीवी पर दिखाई देते हैं,
वो यहाँ का एक एक नौजवान नेता बन सकता है, यहाँ का एक एक नौजवान इस प्रदेश का निर्माण करेगा, नया निर्माण करेगा, नया उत्थान करेगा, नया विकास करेगा। ये मेरी आशा है, यही राहुल जी की आशा है, यही साहिब करण जी की आशा है, सबकी यही आशा है कि आज एक नया दौर आए इस प्रदेश में। आप सब इकट्ठा काम करें, गठबंधन को आगे बढ़ाएं, जिताएं, ताकि ये सब बातें जो खोखली बातें हैं अपने ही जगह रखें। मुझे वाराणसी के लोगों ने वोट दिया और वाराणसी के लिए मैं एक बेटा हूँ, उत्तर प्रदेश का बेटा हूँ, इसीलिए मैं उत्तर प्रदेश का विकास करूंगा। तो मेरे मन में ये बात आई, क्या उत्तर प्रदेश को बाहर से किसी को वोट लेने की जरूरत है? क्या यहाँ कोई नौजवान नहीं है जो आपको देश को, प्रदेश को आगे बढ़ा सकते हैं, जो विकास ला सकते हैं? आपके दो नौजवान राहुल जी और अखिलेश जी आज आपके सामने आए हैं, वो इसी मिट्टी के पड़े हुए हैं, उन्होंने आपका प्रतिनिधित्व किया है, उनके दिल में उत्तर प्रदेश है, उनकी जान में उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश को किसी बाहरी नेता की जरूरत नहीं है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि बहुत खोखले वादे हो गए हैं, बहुत सुनिया है इस देश में, इस प्रदेश में बहुत साल हो गए हैं। आप 3 साल से सरकार में रहे हैं, वाराणसी के जनता से पूछिए क्या किया है आपने उनके उनके लिए, क्या किया है? जन जन बताएगा, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे अमेठी का क्या विकास हुआ था? अमेठी के जन जन से पूछिए, अमेठी का एक एक वासी आपको बताएगा कि जब आप प्रधानमंत्री होते हैं किस तरह से आप विकास कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश का एक एक नौजवान नेता चुना जा सकता है, बन सकता है, लेकिन